His Excellency Shri Pushp Kamal Dahal Prachand Ji, Puru Pradhan Mantri, Nepal, Maniya Kendriya Mantri, Adaraniya Suresh Prabhu Ji, Sammaniya Shri Suresh Bhaiyaji Joshi, Shri Saurya Dobhal Ji, Shri Ram Madhav Ji, Upasthit Sammaniya Atithigan, आभारी हूँ इंडिया फाउंडेशन का जिन्होंने आप विशिष्ट जनों के बीच आज होने का मौका दिया. बधाई आपको इंडिया फाउंडेशन को. मैं कार्यक्रम का स्वरूप देख रहा था, मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि एक मंच पर दो दिनों तक अलग अलग ढंग से सोचने वाले लोगों को आपने एकत्र किया. जब हम सब युवा हो रहे थे तो एक नारा सुना करते थे, हजारों फूलों को एक साथ खिलने दो. मुझे उम्मीद है कि भारत में जो शास्त्रार्थ और संवाद की पुरानी परंपरा रही है उसके तहत इस परामर्श से बहुत उपयोगी चीजें आज के माहौल में निकलेंगी. विषय का महत्व कितना है, मैं तीन चार चीजें अपने अनुभव की दृष्टि से जो मेरी समझ में आपके सामने रखना चाहूंगा. पिछले साल ही इस देश ने चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष मनाए. मानव इतिहास में परिवर्तन की दो धाराएं मेरी निजी दृष्टि में जो रही, उनमें एक मैकियावेली ने जो द प्रिंस में कहा कि नीति अनित षड्यंत्र किसी तरह सत्ता पाए, उसके बाद गांधी ही हुए जिन्होंने कहा नहीं, साधन और साध्य के बीच गहरा रिश्ता है, पवित्र मकसद के लिए बेहतर साधन होना चाहिए. उस गांधी ने जिन्होंने इतिहास की नई नींव रखी, चंपारण से जो आंदोलन शुरू किया उसमें पीपुल्स एजेंडा का कितना बड़ा रोल था, हिस्टोरिक रोल था, वो मैं बहुत संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा. गांधी जब चंपारण गए तो जिनके बुलावे पर गए, राजकुमार शुक्ल या वहां के आंदोलनकारियों के कहने पर, उन्होंने आंदोलन शुरू नहीं किया. 13 अप्रैल से लेकर लगभग 12 जून तक, 1.5-2 महीने तक उन्होंने लोगों के बीच जाकर, जिसमें आंदोलन करने वाले लोगों को अलग रखा, उनसे पूछा कि आपकी परेशानियां क्या, आपके इश्यूज क्या हैं, और उसमें काम में लगे कौन लोग थे, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, एक से एक उस वक्त के जाने माने विशिष्ट लोग, और 5000 पेज की रिपोर्ट उन्होंने लोगों से बातचीत करके परामर्श के तैयार की. उसी के आधार पर वो आंदोलन चला और उस आंदोलन ने क्या इतिहास रचा, ये मुझे दोबारा उल्लेख करने की जरूरत नहीं. बिहार से ही एक और प्रसंग सुनाना चाहूंगा. दुनिया में गणतंत्र के बारे में माना जाता है कि लिच्छवियों से इसका उदय हुआ. लिच्छवी जिनके सभासदों की संख्या, जो उनका जो लोगों का लोक गणराज्य गणतंत्र का, यानी जो आज हम लोग विधानसभा लोकसभा या राज्यसभा कहते हैं, उस तरह की जो उनकी व्यवस्था थी, उसके सदस्य थे 7,707 लोग. मगध सम्राट अजात शत्रु वो लिच्छवी पर हमला करना चाहता था. उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को भेजा बुद्ध के पास. बुद्ध ने कहा कि लिच्छवी पर हमला करने के लिए न सोचे, आप लिच्छवी को नहीं जीत सकते, वो अजय है, अभेद है. क्यों? क्योंकि वहां गण के सभी सदस्य एक मत होकर बैठकर अधिवेशन करते हैं, बिना नियम बनाए कोई आदेश जारी नहीं करते, वहां सभी नियमों का पालन करते हैं, वहां स्त्रियों का समादर होता है, वहां समाज में वृद्धजनों को विशेष आदर मिलता है. जब तक वहां लोक एकता है, जब तक वहां इस तरह लोग बैठकर एक मत से बातें करते हैं, अपना एजेंडा खुद तय करते हैं, तब तक आप उन पर विजय नहीं पा सकते. और जिस इलाके में लंबा काम करने का मेरा पत्रकारिता का अनुभव रहा, उन आदिवासी इलाकों में तो बहुत पुरानी परंपरा है, वहां एक मेला लगता है जो परंपरा आज भी है, जिस मेले में नागरिक समस्याओं पर चर्चा होती है, उनके बीच से वो अपने परंपरागत शासकों को चुनते रहे. और एक लोक की विनंती है, पर्यावरण के बारे में बहुत विशिष्ट काम करने वाले गांधीवादी पर्यावरणविद अनुपम मिश्र ने उसका उल्लेख किया कि वहां राजाओं का चयन इस आधार पर होता था कि जो राजा बनने की ख्वाहिश रखते थे वो मेले में आते थे, उनको एक तरफ करके आंख बांध कर बैठाया जाता था, अलग अलग मिट्टी, अलग अलग पानी, अलग अलग पेड़ के पत्ते, लकड़ियां रखी जाती थी और उनसे कहा जाता था कि आप पहचाने किस इलाके की मिट्टी है, उसके सुगंध से आप स्मेल से पहचाने ये कौन सी लकड़ी है, ये कौन सा पेड़ का पत्ता है. यानी जो जिसकी समझ और पकड़ बिल्कुल मिट्टी से जुड़ी हो वही वहां शासक हो सकता था.
और अंग्रेजों ने अपने विल्किंसन रूल जो एक इलाके में कोल्हान में लागू किया, इसी परंपरागत शासन को मजबूत किया। इस तरह से जो भी बौद्ध सम्मेलन हुए, तीन बौद्ध सम्मेलन जो बड़े हुए, राजगीर, वैशाली और कश्मीर में, और बाद में अंतिम जो बुद्ध के जमाने में हुआ, अशोक के जमाने में हुआ, उसमें तय हुआ कि आपसी संवाद के नियम क्या हों। और अशोक ने बाकायदे उल्लेख किया कि सार्वजनिक चर्चा बिना किसी वैमनस्य के संपन्न होना चाहिए। गांधी ने इसी का उल्लेख किया जब वो भारत में आए, और कहा, मैं कोट कर रहा हूं, लॉन्ग एगो हाउ लॉन्ग हिस्ट्री डज नॉट रिकॉर्ड द इंडियन जीनियस वर्क आउट द विलेज एंड द लोकल पंचायत, इट रिमेंड अवर फोर्ट थ्रू मेनी ए टर्बुलेंट पीरियड, किंग्स एंड डायनेस्टीज फॉट, एम्पायर्स रोज, रूल्ड, मिसरूल्ड एंड डिसअपीयर्ड, बट द विलेजर्स लाइफ मेंटेन्ड इट्स इवेंट टेनर अवे फ्रॉम द डिन ऑफ बैटल एंड रश ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग एम्पायर्स, वी हैड ए विलेज स्टेट विच प्रोटेक्टेड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड मेड सिविलाइज लाइफ पॉसिबल। इसी बात को बाद में इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बाद के दिनों में भारत सरकार ने जो पंचायती राज्य व्यवस्था अपनाई है, जो साथ में आज की तारीख में सरकार ने सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर सिटीजन्स कंप्लेन अपनाया, ये दरअसल पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के उसी तौर तरीके पर जाने की कोशिश है। न्याय पंचायत बिल 2009 का बनना, और 14th फाइनेंस कमीशन ने 2015-20 में खास तौर से ग्राम पंचायतों को सब्सटेंशियल अवार्ड अमाउंट का किया है, 2,00,000 करोड़। उसके पीछे यही अवधारणा है कि लोकल इशूज लोग बैठ कर तय करें क्या प्रायोरिटीज हैं, उन इशूज पर वो अमल करें। इस तरह से भारत में और कई जगहों पर, जैसे खासतर मैं उल्लेख करना चाहूँगा बेंगलोर में, जनाग्रह के लोग वो बहुत कोशिश करते हैं माई सिटी माई बजट बनाने की भी कोशिश करते हैं कि एक पीपुल्स मूवमेंट हो जो लोगों की इच्छा सत्ता और सरकार तक पहुँचे। यूरोप में भी 2013 से आप लेकर देखें, या अफ्रीका में उगांडा, जिम्बाब्वे, घाना ने सिटीजन्स मैनिफेस्टो बनाया। इस तरह से लोगों की विल के बगैर आने वाले दिनों में, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप बहुत इफेक्टिवली गवर्नेंस नहीं कर सकते। कुछ ही वर्षों पहले, लगभग 2012 में, एक ब्रिटिश डिप्लोमेट की मैंने पुस्तक पढ़ी, कारेन रॉस। पुस्तक का जो शीर्षक है वही अपने आप में बड़ा कन्वेइंग है कि टेक्नोलॉजी और एडुकेशन ने इनलाइटेंड समाज जो बनाने के रास्ते जो गति डाली है, उसका क्या परिणाम और भविष्य कैसा आने वाला है। वो कहते हैं, पुस्तक का शीर्षक ही था द लीडरलेस रिवोल्यूशन, हाउ ऑर्डिनरी पीपुल विल टेक पावर एंड चेंज पॉलिटिक्स इन द 21st सेंचुरी। बहुत ही एडुकेटिव किताब है। दुनिया की किस किस कोने में कैसे लोग सामने आ रहे हैं और किस तरह से अपनी नियति बदलने की वो खुद कोशिश कर रहे हैं, अनेक इंसिडेंट्स उस पुस्तक में है। उसकी शुरुआत उन्होंने एक बहुत रिमार्केबल कोट से किया है, विक्टर ह्यूगो का कोट है, मैं वो कोट करना चाहूंगा, वॉर विल बी डेड, युद्ध खत्म हो जाएंगे, द एस्केफोल्ड विल बी डेड, झगड़े झंझट भी अंत होंगे, फ्रॉन्टियर्स विल बी डेड, सीमा वो भी मिट जाएंगी, फ्रॉन्टियर्स विल बी डेड, रॉयल्टी विल बी डेड, राजशाही खत्म हो जाएगा, डोगमाज विल बी डेड, विचार और ये जो चिंतन की एक प्रक्रिया लंबी और विवाद की है वो भी शायद खत्म हो, मैन विल बी गैन टू, और इंसान नए ढंग से रहना शुरू करेगा। इस नई दुनिया जो आज बन रही है पूरे संसार में टेक्नोलॉजी की वजह से, खास तौर से इस नई दुनिया के पृष्ठभूमि में, इंडिया फाउंडेशन इतने महत्वपूर्ण विषय पर यह बहुत उपयोगी चर्चा कर रहा है। इसकी सफलता के लिए मेरी शुभकामना है। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, अपना विचार रखने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।